सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं इजी ट्रिक्स कि कैसे मल्टीपल स्टिरप्स, टाइज या बाइंडर का BBS निकाला जाए और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाइंडर स्टिरप टाइज से रिलेटेड मिलने वाला है आज इस वीडियो में। और अब मैं फॉर्म पे आ चुका हूं आपको हर एक पार्ट की डिटेल पर ट्रेनिंग देने के लिए। और अगर आप मुझसे अलग अलग टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक में आपको मुझसे वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आए इस चैनल पर और लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। तो बिल्कुल देरी नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं इस ड्रॉइंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दैट इज ड्रॉइंग अवेलेबल एट साइट। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ड्रॉइंग मैंने यहां पर लिया एक एग्जांपल के तौर पर। आपको मल्टीपल स्टिरर्स बाइंडर अगर एक ही जगह कॉलम पर लग रहे हैं तो उसकी ड्रॉइंग मिलती है तो सबसे पहले उसको देखना, पढ़ना और समझना होता है। तो आज पूरे इस वीडियो में हम यही समझेंगे। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास ये फर्स्ट केस है, केस वन यहां पर मैं लिखता हूं। इस फर्स्ट केस में हमको ये देखना है कि कॉलम है जिसका साइज है 1300 mm, 1300 mm साइज है और इसकी विड्थ है 300 mm। ये हमारे कॉलम का साइज है। अब यहां पर देखिए तीन अलग अलग पार्ट में कॉलम डिवाइड हुआ है, 300, 700 और 300। यानी कि यहां पर जो मेन बार लग रही है उसका डेटा अलग अलग गिवन है। अब जब मेन बार का डेटा अलग गिवन है तो अब मेन बार कहां पर लग रही है, देखिए यहां पर ये डेटा है मेन बार का, MAIN मेन और ये होगी हमारी बार। तो यहां पर देखिए मेन बार का डेटा क्लियरली हमको गिवन है 12-T32, यानी कि 12 नंबर ऑफ बार। 12 क्या बता रहा है हमको, नंबर ऑफ बार, और T32 बता रहा है डाया ऑफ बार। क्या बता रहा है, ये डाया ऑफ बार, क्लियर। सिमिलरली उसी के साथ यहां पर देखेंगे 6T20। अब 6 क्या बता रहा है यहां पर, नंबर ऑफ बार, और T20 क्या बता रहा है, डाया ऑफ बार, यानी कि 20 mm डाया का बार लगा हुआ है। 6 नंबर में 20 mm। अब यहां पर यही समझना है कि कहां कहां पर हमारी 32 mm की बार लगी और कहां पर 20 mm की बार लगी है। तो सेम देखिए यहां पर आपको ड्रॉइंग पर अभी क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको हेल्प कर देता हूं। ये यहां पर डार्क है, यहां पर डार्क है, यहां पर डार्क है, इस तरह से डार्क मार्किंग है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द मेन बार दिख रही है वहां पर सर्कल बना हुआ है, इस तरह से वहां पर डार्क मार्किंग नहीं, इस तरह से सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब कि जहां जहां पर ये सर्कल बना हुआ है ये है हमारी टोटल 32 mm डाया की बार जो कि लगी है 12 नंबर पर। और ये जो 6 नंबर ऑफ बार दिख रही है ये है हमारे 20 नंबर की, 20 mm डाया की, क्लियर। तो सेम चीज यहां पर भी 12 25 mm की और 6 20 mm की। तो हम आज इस केस को सॉल्व करेंगे, केस टू को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये जो केस वन है ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट पर बताना है इस केस वन का। केस टू आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहां पर भी सेम 300, 700, 300 अलग अलग भाग में डिवाइड है। 300 के स्पेसिंग में टोटल यहां पर देखिए 3, 3, 6 और 1, 7 नंबर ऑफ बार आ रही है यहां पर। ये जो 700 का जगह है यहां पर बीच पर ये 4 आ रही है और यहां पर जो 300 का जगह है यहां पर भी 7 नंबर ऑफ बार्स आ रही है, क्लियर। तो यहां पर अलग अलग पोजिशनिंग को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सेम आप देख लेते हैं यहां पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टिरप्स बाइंडर्स लगे हैं जिसको हमको निकालना था और उसकी पोजिशनिंग देखिए यहां पर दी हुई है। ये एक तरह की बाइंडर लगा है, ये देखिए दूसरे तरह का बाइंडर लगा और इसी की जैसा सेम ये भी है यहां पर, और ये तीसरे नंबर का बाइंडर लगा है। ये जो स्ट्रेट लंबा दिख रहा है चौथे नंबर का बाइंडर है, ये भी सेम चौथे नंबर का बाइंडर, और ये पांचवें नंबर का बाइंडर है। इस वीडियो में अगर आप मेरे साथ 10 मिनट और रुक गए और एंड तक आपने वीडियो देख लिया तो आज आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको स्टिरप बाइंडर निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे हर तरह के कॉम्प्लेक्स स्टिरप बाइंडर के केसेस सॉल्व हो सकते हैं और आप बहुत आसानी से उसका BBS बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस केस को सॉल्व करते हैं हम 12-25 mm की। और यहां पर प्रॉपरली देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जो डार्क है ये हमारी है 20 mm की, क्लियर। अब इसको समझते हैं। अगर कॉलम आपके साइट पर अवेलेबल होता है तो ये केस कहां पर आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एक पोजीशन है कॉलम की, ये वाली देखिए एक पोजीशन है कॉलम की। इस पोजीशन में देखिए मल्टीपल नंबर ऑफ बाइंडर्स लगे हुए हैं एक ही जगह, यानी कि जब कॉलम की साइज बड़ी होती है और उसमें बार्स का डाया ज्यादा होता है तो उसको आपस में बाइंड करने के लिए मल्टीपल टाइज या बाइंडर हमको लगाना होता है कॉलम के एक ही पोजीशन पर। इसी एक पोजीशन पर देखिए कितने सारे बाइंडर्स लगे हुए हैं कॉलम के बार्स को होल्ड करते हुए ताकि ये क्लियरली बाइंड करें और
रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे शियर के अगेंस्ट। तो अब इसी चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली एनिमेशन के हेल्प से दिखाता हूं, जिसमें कि आपको बहुत आसानी होगी कि हाउ बाइंडर्स आर टाइड इन कॉलम, कॉलम में बाइंडर्स कैसे बनता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमने एग्जांपल लिया था भाई 1300 का हमारा कॉलम साइज है, 1300 बाय 300। अब यहां पर 300 की स्पेसिंग में यहां पर, फिर बीच में 700 का स्पेसिंग है, फिर 300 की स्पेसिंग में मेन बार्स लगी हुई है, ये हो गई हमारी मेन बार। अब यहां पर इसका कलर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो थोड़े लाइट येलो में है ये हमारी है टोटल 25 mm डाई की बार, और जो डार्क येलो में है ये 20 mm डाई की बार। अब इसमें जो पहला इन मेन बार्स को बाइंड करने के लिए जो बाइंडर लगेगा वो देखिए पूरे के लॉन्ग लगा हुआ है, जैसे कि हमको ड्रॉइंग पर दिखा सेम इस तरह से लगा हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड जस्ट इसके ऊपर जो बाइंडर लगा है वो देखिए ये इस तरह के ये चार बार को ज्वाइन कर रहा है, फिर ये वाला बार, ये वाला बाइंडर इस चार बार को ज्वाइन कर रहा है, और ये वाला बाइंडर सेम इन चार बार को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला बाइंडर और ये बाइंडर सेम है, क्लियर। इन दोनों की कटिंग लेंथ सेम निकलेगी। अब जो नेक्स्ट इसके बाद बाइंडर लगा है जस्ट इन्हीं के ऊपर वो लगा हुआ है देखिए इस तरह से, और इसको हम कहते हैं पिन। इसको क्या कहते हैं? पिन। इसे हम कहते हैं पिन कॉमन लैंग्वेज पर। अब इसके बाद जो लास्ट और फाइनल बाइंडर लगा है वो लगा है इस तरह से ऊपर पूरा, ये भी पिन कहलाता है, ये भी कहलाता है पिन। तो ये सबसे टॉप पर लगा हुआ है। तो ये चार अलग अलग पोजिशन पर हमारे बाइंडर लगे, जिसका डेटा यहां पर गिवन है T8@100 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 8 mm डाया का बार है, एट द रेट यानी कि स्पेसिंग कितनी है 100 सेंटर टू सेंटर। अब इसी चीज को अगर मुझे प्रॉपरली और एक एनिमेशन के हेल्प से समझना हो तो मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ बाइंडर प्लेस इन कॉलम। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला बड़े में लग गया, इसके जस्ट ऊपर ये यहां पर तीन बाइंडर लग गए, उसके बाद ये पिन लग गया, और उसके बाद ये फाइनल पिन लग गया। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा चार अलग अलग स्टेजेस में बाइंडर्स लगे हुए हैं पिन के साथ, क्लियर इंजीनियर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे हमने समझ लिया कि कैसे लगा हुआ है, अब इसके बाद निकालेंगे इसका BBS, इसका स्टील कैलकुलेशन। और अगर मैं कहूं कि आपको इस सारी चीजें डिटेल पर, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा कंप्लीट BBS एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट इन टेंडरिंग, ऑटोकैड, रेविट, 3DS में गूल, हर तरह की स्किल्स सीखनी है, प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचना है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ, जहां पर आपको 3D मॉडल की टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीजें घर बैठे ही लाइव आप सीख सकते हैं। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी मिलता है आपको, और इतना ही नहीं 2 साल की पूरी वैलिडिटी भी मिलती है। अगर आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है 9111001234, अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ, टीम को बात करो कि कैसे आप एक अचीव लेवल तक पहुंच सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग करके सिविल गुरुजी के साथ, क्लियर इंजीनियर्स। क्योंकि सीखना तो पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी सीखे, नो मैटर, सीखना अभी पड़ेगा आपको, कभी भी डिले नहीं करना चाहिए आगे सीखने के लिए। चलिए, डिले नहीं करना चाहिए तो हम भी डिले नहीं करते, BBS चालू करते हैं मल्टीपल बाइंडर्स का। तो सबसे पहले हम मेन जो हमारी बार है उसका BBS निकालेंगे। तो हमेशा आप कभी भी स्टिरा बाइंडर्स या टाइज का BBS निकाल रहे हो तो दो चीजें ही हमेशा चाहिए होती हैं, एक ए डायरेक्शन की वैल्यू और बी डायरेक्शन की वैल्यू। अभी ए डायरेक्शन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है आपके इस बाइंडर के सेंटर से, ये जो हमारा बाइंडर है 8 mm डाया का बाइंडर है, इसके सेंटर से अदर साइड के सेंटर तक का डिस्टेंस ही हो गया हमारा ए। उसके बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस बाइंडर के सेंटर से लेकर इस बाइंडर के सेंटर तक का हो गया डिस्टेंस बी। सेंटर वर्ड ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए, ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल 1300 का डिस्टेंस है मेरे पास एंड टू एंड। अब यहां पर अब जैसे कि कॉलम है तो कवर कितना हो गया, 40 mm का कवर इधर, 40 mm का कवर इधर हो गया, तो -40, क्लियर। अब मुझे सेंटर पर जाना है तो 8 mm का बाइंडर था तो सेंटर पर जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। तो यहां से 4, यहां से माइनस, तो यहां का -4, और यहां से भी 4 माइनस, तो यहां से -4, तो मेरा ये ए डिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, दैट इज 1212 mm, क्लियर है। सेम आपको भी करना है और आंसर मुझे नीचे बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं बी डायरेक्शन। तो ये बी डायरेक्शन सेम, यहां भी 40 का कवर, यहां भी 40 mm का कवर, और ये सेंटर तक पहुंचना है तो यहां से -4 और यहां से -4, तो सेम वही मैंने किया, 40 का कवर और ऊपर से -4 क्यों कर रहा हूं फिर से एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। 8 mm का इसका डाया है
मुझे सेंटर टू सेंटर जाना है, इसका मतलब कि चार नीचे से और चार ऊपर से छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद इसका कटिंग लेंथ निकालना है, तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। देखिए कटिंग लेंथ का फॉर्मूला, रेक्टेंगल है तो 2 into a + b प्लस हुक लेंथ। क्लियर है, 2 into a + b यहां से लेकर यहां तक पूरा रेक्टेंगल बनता है तो 2 into a + b, और साथ साथ ये एक हुक और ये दूसरा हुक आता है, तो ये दो हुक लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। अब ये यहां पर देखिए 135 डिग्री का हुक है, तो 135 डिग्री के हुक के लिए वैल्यू कितनी होती है, 12d फॉर 135 डिग्री बैंड, यानी कि 12 इंटू डायमीटर ऑफ बार। तो ये सारी वैल्यूज को आपको पुट कर देना फॉर्मूले में। 2 इंटू ए की वैल्यू हम निकाले थे 1212, बी की वैल्यू निकाले हम 212, प्लस हुक लेंथ कितने हुक है भैया, दो हुक है, तो 2 इंटू एक हुक का वैल्यू 12d, यहां से हमने देखा 12 इंटू डायमीटर ऑफ बार, और डाय कितना है 8, तो वैल्यू आता है 3040 mm इसकी कटिंग लेंथ आएगी ये वाले बाइंडर की, जो सबसे पहले लगेगा। अंडरस्टूड। अब यहां पर मेन ट्रिक चालू होती है, मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है जब हम इसके नेक्स्ट स्टेप यानी कि इन दो बाइंडर्स की कटिंग लेंथ निकालते हैं। यहीं पर आप फंसते हैं, मैक्सिमम इंजीनियर्स यहीं पर फंसते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। हमेशा आपको ध्यान रखना है आपका मेन बार जो भी कॉलम पे लगा है आपको उसके सेंटर टू सेंटर पोजिशन पर जाना है। यहां पर मैंने क्या किया, इस बाइंडर को निकालना है तो इसके पास के जो हमारे मेन बार्स थे और हमेशा एक एंड मेन बार तो कैलकुलेट हो गई, तो मैंने क्या किया कि भाई इस बार के मेन बार के सेंटर से इस मेन बार के सेंटर तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहां से यहां देखिए डिस्टेंस 300 है। इसका मतलब कि जो मेन बार से सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर इक्वल और इसके सेंटर से इसके सेंटर इक्वल। हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकालिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब इस ये डिस्टेंस को निकालना है, तो ये अगर मैं इस वैल्यू को x मानता हूं तो देखिए मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है यहां के सेंटर तक, यहां के सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो मैंने लिखा 300। अब इस बार के सेंटर तक जाना है तो यहां से -40 का कवर, तो -40। अब ये मेन बार है तो यहां पर ये बाइंडर भी माइनस होगा 8 mm डाया का, तो यहां पर -8। और ये वाला जो डाया है, ये वाला डाया ये हमारा कितने mm का, यहां पर देखिए 25 mm का डाया है। क्लियर, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे 12.5 और माइनस करना पड़ेगा इस मेन बार का आधा डाया, तो 12.5। तो अब मैं पहुंच गया यहां पर, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास क्लियरली निकल गया 240 mm। क्लियर, अब मेरे पास 240 निकल गया, तो ये आधा और ये आधा कितना बन जाएगा, देखिए क्लियरली 120 और 120, इसके बीच से लेकर यहां तक 120 और यहां से लेकर यहां तक 120, क्योंकि ये पूरा टोटल 240 था। तो जैसे ही मेरे पास ये 120 का डेटा आता है तो मुझे पता चल गया कि ये मेन बार से लेकर ये मेन बार के बीच का डेटा है 120। क्लियर, अब मुझे केवल ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 120 मेरे पास सेंटर टू सेंटर अवेलेबल है, पहले ही 120 यहां से लेकर यहां तक 120 अवेलेबल है। अब ये मेन बार का डाया कितना है 25 mm, तो आधा और मुझे इधर जाना है और यहां से भी आधा इधर आना है, तो यहां पर देखिए 12.5 यहां आधा बढ़ गया, 12.5 इस मेन बार के सेंटर से यहां आधा बढ़ गया। उसके बाद इस बाइंडर के सेंटर तक पहुंचना है तो 8 mm का बाइंडर, तो यहां से 4 mm बढ़ा और यहां से 4 mm बढ़ा, तो ये +4, तो मेरा आ गया 153 mm इसका करेक्ट आंसर। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कब सेंटर टू सेंटर जाना है आपके बार को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, जैसे ही आपके पास ए का वैल्यू आएगा बी का वैल्यू सेम वैसे ही सेम रहेगा, हमेशा बी का वैल्यू अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो बी का वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करना है, 300 ऊपर का 40 का कवर, नीचे का 40 का कवर, -4 और माइनस यहां पर 4, तो आपका वैल्यू 212 mm आ गया। अब इसकी कटिंग लेंथ को आपको कैलकुलेट करना है, तो सेम फॉर्मूला 2 into a + b प्लस हुक लेंथ 135 का है, जो 12d यहां पर देखिए हुक 135 का है, तो 2 a का वैल्यू डाल दिए 153, b का वैल्यू डाल दिए 212, दो हुक हैं, 12d हमारे को हुक का वैल्यू लेना है, तो आंसर आता है 922 mm इसकी कटिंग लेंथ निकल कर आती है। ये बाइंडर की 922, ये बाइंडर की 922, दो बाइंडर लग रहे हैं आपके। क्लियर, यानी कि आपको दो बार कटवाना पड़ेगा 922 का। क्लियर, तो इस चीज को आपको समझना है इस बाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट में वो चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट केस लेता हूं तो यहां पर जो मेरा डिस्टेंस है वो देखिए अब चेंज हो जाता है 700 हो जाता है, यानी कि
इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस और इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये अब सेम होगा। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है, तीन अलग अलग डिस्टेंस, ये सेम होंगे, क्योंकि देखिए ये सेंटर से डिस्टेंस दिखा रहा है, ये सेंटर से लेकर इस मेन बार के सेंटर तक का डिस्टेंस है 700 mm। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको फिर से पकड़ लेना है। तो ये देखिए टोटल मैंने यहां से सेंटर टू सेंटर टोटल डिस्टेंस हमारा 700 है, और अगर मुझे इसको डिवाइड करना है कितने भाग में, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट, यहां से लेकर यहां तक दो पार्ट और यहां से लेकर यहां तक तीन पार्ट, तो तीन भाग में डिवाइड करना है। तो 700 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 233 mm मेरा आंसर आ गया, यानी कि ये पूरा सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस बन गया मेरा वो बन गया 233 हर जगह का। तो अब मुझे कहां का बाइंडर निकालना है, अब मुझे केवल ये दो मेन बार के बीच का बाइंडर निकालना है, तो मैं केवल इतना ही डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक के बीच का, सेम ये आपकी ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, यहां से सेंटर से यहां के सेंटर तक 233, तो 233 यहां से हमको वैल्यू मिल गई। अब ये डाया, यहां पर ही मेन खेल है डाया का, जो कि आपको समझना है कि ये वाला जो डाया है, देखिए यहां पर कितने mm का है, 20 mm का डाया है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहां पर आप 12.5 नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि ये 20 mm का डाया है, क्लियरली ड्राइंग पर दिया हुआ है। तो अब जो आपका वैल्यू होगा यहां से +10, यहां से तो अब यहां तक पहुंच गए +10, फिर इस साइड से भी +10, तो यहां पर पहुंच गए। अब उसके बाद 8 का बाइंडर है, तो 4 और जाना है, और यहां से भी 4 और जाना है, तो +4 +4, तो आंसर आता है 261 mm आपका ए का वैल्यू आता है। बी का वैल्यू भी सेम आएगा एज इट इज, जैसा पहले निकाले 300 -cover -4 तो 212 mm। अब सिमिलरली इसका भी कटिंग लेंथ निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूले में डालिए 2 into a + b प्लस हुक लेंथ प्लस 12d 135 डिग्री बैंड के लिए, तो इसका 2 into 261 into 212 प्लस दो हुक है हमारे, 12d वैल्यू लेना है, तो 1138 mm आपको एक ही बाइंडर कटवाना है इस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कैसे इस बाइंडर की वैल्यू निकालनी है जब ये बीच पर है, तो यहां पर आपको हमेशा और हमेशा मेन बार ही काम करने वाला है इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर इंजीनियर? तो ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं अगला जो हमारा पिन है, इस पिन की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो यहां पर आपको केवल बी की वैल्यू चाहिए, ये देखिए यहां पर बी की वैल्यू और पिन में हुक की वैल्यू आपको ऐड करनी है। तो देखिए बी की वैल्यू सिमिलरली हम जैसे निकालते वैसे ही निकालेंगे, 300 40 का कवर यहां से, 40 का कवर यहां से, और यहां पर हाफ डाया तो 4 माइनस, यहां पर हाफ डाया तो 4 माइनस, तो ये हो गया, तो वैल्यू आती 212। अब सिमिलरली बी की वैल्यू आ गई, बी 212 प्लस हुक लेंथ कर दीजिए, 12d फॉर 135 डिग्री का बैंड है, तो 12d, तो दो पिन दो हुक बन रहे, एक यहां पर पिन बनाने के लिए और एक यहां पर, तो 2 into 12d, तो आंसर आता है 404 mm। तो ये भी 404 mm का आपका पिन बनेगा और यहां पर भी 404 mm का पिन बनेगा। क्लियर इंजीनियर्स? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नए आए हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और जो भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो हमारा सबसे बड़ा वाला पिन लगा है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो हमको ए की वैल्यू निकालनी है सिमिलरली जैसे पहले निकाले थे, टोटल 1300 है, माइनस यहां से 40 का कवर, माइनस यहां से 40 का कवर, माइनस यहां पर 4 हाफ डाया, माइनस यहां का बाइंडर का 4 हाफ डाया, तो सेम वही चीज करनी है और हमारा आंसर आता है 1212 mm। यहां पर पिन लगा है 135 डिग्री का, एक ये और एक ये, तो दो पिन लग रहे हैं, तो 1212, तो दो पिन, 12d वैल्यू, तो आंसर आता है 1404 mm आपके इस बड़े वाले पिन की कटिंग लेंथ। क्लियर इंजीनियर्स? तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया विथ एनिमेशंस की, कैसे आप किसी भी तरह का मल्टीपल स्टीरअप्स बाइंडर्स या फिर टाइज आती हैं तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, दो बार देखेंगे इस वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी तरह का बाइंडर आप निकाल सकते हैं। और अगर आप मुझसे मेरे प्रोफेशनल ट्रेनर्स की टीम के साथ मिलकर सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस। करना क्या है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पर। सीखना आज ही पड़ेगा, सीखिए, किसी से भी मैटर नहीं करता, लेकिन सीखना जरूरी है करियर में आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम डेली सीख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर सीख रहे हैं। आपके इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। और करना है खास,
करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।